मुखिया कमलनाथ के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कार्यवाही जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जिला और निगम प्रशासन ने पुलिस के साथ मिलकर भू माफिया बॉबी छाबड़ा के खिलाफ कार्यवाही शुरू की है। पहले चरण में भू माफिया बॉबी छाबड़ा के महालक्ष्मी नगर स्थित ऑफिस को निगम ने बुलडोजर चलवाकर जमीनोस करवाया। यहां भू माफिया ने ऑफिस की निगरानी के लिए एक महिला को अवैध कमरा बनाकर काम दिया था। कार्यवाही से पहले निगम के अमले ने महिला के मकान से सामान को बाहर निकाला। बाद में निगम के अमले ने अपनी कार्यवाही को अंजाम दिया। निगम के उपायुक्त महेंद्र सिंह ने बताया कि इसी ऑफिस से बॉबी छाबड़ा जमीनों से जुड़ी हेराफेरी करता था और अन्य अवैध गतिविधियां भी इसी ऑफिस से संचालित की जाती थी। आईडीए की जमीन होने के बावजूद यहां बॉबी छाबड़ा की वजह से अब तक बसाहट नहीं हो पाई है और उक्त जमीन भी दयनीय स्थिति में पहुँच गई है। देखिए, आज जो कार्रवाई हुई है, ये मजदूर पंचायत घर निर्माण संस्था है, इसकी एक कॉलोनी है पुछ बिहार कॉलोनी, वहाँ पर बॉबी छाबड़ा का ऑफिस था जो पूर्ण रूप से अवैध था, उसको हमने हटाया। साथ में एक और उनका कमरा बना था जो कि सीमेंट की स्लैब से था और एक टीन का कच्चा निर्माण था। ये पूरी जानकारी यहाँ पे ये लगी मालूम पड़ा था कि वो जितना भी अवैध खरीद विरोध थी या जो भी गलत काम भूमि संबंधी होता था वो यहीं से करते थे। और भी जगह होगी लेकिन उनमें से एक जगह ये भी थी, और पूरा इंदौर जानता है कि इंदौर के बीच के अंदर लगभग ये जगह आ गई और आज तक इसमें से एक प्लॉट नहीं बिका है, पूरे में जंगल उग रहा है। तो उसकी कुछ ना कुछ वजह है, और उसकी वजह बॉबी छाबड़ा मुझे लगता है।